हाय एवरीवन, वंस अगेन आई एम बैक। मेरा नाम शालिनी कामरा है, मैं उत्तराखंड रुद्रपुर से हूँ और शाम का टाइम हो रहा है, मुझे क्रेविंग हो रही है केक खाने की, चॉकलेट लावा केक या चॉकलेट केक या चॉकलेट फज, कुछ भी। आई एम क्रेविंग फॉर दैट। बट मुझे वेट लॉस का भी है, क्योंकि मेरा वेट बढ़ जाता है, मुझे अपना वेट मैनेज करके रखना है। सो वट आई शुड डू, आई शुड ईट समथिंग वेरी गुड जो कि टेस्टी भी हो और मेरी क्रेविंग को भी शांत कर दे और मेरे टेस्ट को भी सेटिस्फाई कर दे और मुझे बहुत अच्छा न्यूट्रिशन भी दे दे। तो उसके लिए सबसे अच्छा, वो पता है मैंने क्या निकाला है, सबसे अच्छा चीज़ निकाली है, दिस इज जेन कंप्लीट। और इससे मैं बनाने वाली हूँ केक, यस, विदाउट यूजिंग एनी फ्लोर। मैं इसको फ्लोर के तरीके से यूज़ करूँगी और बहुत टेस्टी चॉकलेट केक तैयार करूँगी। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मैं केक में क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स यूज़ कर रही हूँ जेन कम्प्लीट को लेकर। सो यहाँ पर अगर मैं चेक करती हूँ आपके साथ कि क्या क्या इन्ग्रीडियंट्स हैं, लेट मी चेक, आपके साथ मैं शेयर करना चाहती हूँ। यहाँ पर एक स्कूप मिल्क, कुछ ब्लूबेरीज, मैंने कोकोनट वर्जिन ऑयल लिया है, एक स्कूप जेन कंप्लीट लिया है, यहाँ पर मैं ले रही हूँ हाफ से भी कम स्पून कोको पाउडर, ये मैंने एक छोटा सा स्पून, बिल्कुल छोटा सा मैंने स्पून लिया है दालचीनी का, मेरे पास कुछ एक दो किशमिश हैं, कुछ मैंने वॉलनट्स लिए हैं क्योंकि मुझे वॉलनट केक खाने का मन कर रहा है, और ये पिंच ऑफ बेकिंग सोडा एंड बेकिंग पाउडर। दोस्तों ये रहा मेरा इन्ग्रीडियंट, ठीक है, जिसको मैं यहाँ पर यूज़ करने वाली हूँ। तो अभी आपने देखा कि मैं इनको क्या करने वाली हूँ, चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ व्हाट आई एम यूजिंग। ठीक है, ये रहा मेरा मग जिसके अंदर मैं केक ये बनाने वाली हूँ। इस मग के अंदर व्हाट आई वांट टू ट्राई, वंस अगेन आई वांट टू टेल यू ऑल दिस इन इंग्लिश ऑल्सो, आई एम टेकिंग हाफ स्कूप ऑफ कोको पाउडर, लेस देन हाफ वी कैन से, वन स्कूप ऑफ जेन कंप्लीट प्रोटीन शेक, वन और टू वॉलनट्स, रेजन और ब्लूबेरी और क्रैनबेरी, वट एवर यू वॉन्ट, इट्स अप टू योर टेस्ट, वन लिटिल पिंच ऑफ दालचीनी, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर एंड पिंच ऑफ बेकिंग सोडा, वन स्कूप ऑफ मिल्क, ये आप देख पा रहे हैं मिल्क, यू कैन सी दिस, कोकोनट वर्जिन ऑयल थोड़ा सा ये मैंने लिया है। नाउ आई एम गोना मिक्स ऑल दिस थिंग्स इन माई कप एंड आई विल मेक दिस मग केक, यस मग केक। सो ये मैं डाल रही हूँ सेन कंप्लीट, कोको पाउडर, सिनेमन, दालचीनी और सिनेमन, व्हाट यू कैन से, पिंच ऑफ बेकिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा, I'm mixing all this together. Small quantity of coconut virgin oil I'm adding here just to add good fat in my cake. This is for that. And now it's time to add milk. Now I will mix it nicely. I will have a good stir. ये मैंने मिला दिया इसको अच्छे से एंड आई विल शो यू इसकी क्वांटिटी कैसी हो गई है। अगर आप थोड़ा सा इसको सॉफ्ट चाहते हो, गुई चाहते हो, सो यू कैन ऐड मोर मिल्क या मोर वाटर टू इट एंड आफ्टर स्टरिंग इट नाइसली, तो मैं इसका अच्छा सा पेस्ट बना लूँगी। यू कैन सी दिस, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी बन जाएगी, यू कैन सी द कंसिस्टेंसी, ये इस तरीके की कंसिस्टेंसी इसकी तैयार हो गई है। और इसके बाद आई विल ऐड माय वॉलनट, रेजन्स और क्रैनबेरीज और ब्लूबेरीज, वट एवर यू लाइक, बट उसके अंदर थोड़ी सी क्वांटिटी कम रखना, क्योंकि ये हम टेस्ट के साथ साथ अपने वेलनेस को भी लेकर हम लोग इस को डेवलप कर रहे हैं। सो दिस इज़ मस्ट फॉर ऑल ऑफ यू टू टेक केयर। This is ready and I will keep it like this. मैं इसके अंदर अपने raisins, blueberries add कर रही हूँ. I want to add all these things because I love these stuff. क्योंकि ये मेरे केक और हेल्दी बनाते हैं और फिलिंग बनाते हैं और मुझे और मज़ा आता है इसको लेकर. Now
आई एम गोइंग टू कीप दिस मग केक इन माई माइक्रोवेव, क्योंकि मैं इसको 2 मिनट में बेक कर लूंगी सिर्फ माइक्रोवेव में ऐड करके, एंड इट्स वेरी टेस्टी गाइज। नाउ टाइम टू कीप इट इन माइक्रोवेव, हैव अ लुक, आई हैव केप्ट इट इन माई माइक्रोवेव। नाउ नाउ आई विल टेक, मैं इसको 2 मिनट का टाइमर लगाऊंगी। वॉन्ट टू स्टार्ट? Now its timer is set. Look at my mug cake. और जैसे ही रेडी हो जाएगा आई विल शो यू गाइज। फ्रेंड्स मेरा मग केक रेडी हो चुका है, यू कैन सी दिस। ये बहुत टेस्टी है और मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाहती हूँ। लुक एट दिस कि कितना गुई है ये, और आप इस मग केक को ट्राई कर सकते हैं, इन्जॉय कर सकते हैं मेरे साथ। इफ़ यू वॉन्ट टू इन्जॉय दिस हेल्दी मग केक, सो डोंट गेट लेट, बाय टुडे जेन कंप्लीट। आपकी हेल्थ, फिटनेस, मल्टी विटामिंस, मिनरल्स, आयरन, जिंक, कैल्शियम और बहुत टेस्टी फ्लेवर, और बहुत कुछ बना सकते हैं क्योंकि मैंने इसके साथ आइसक्रीम्स डेवलप की हैं, मैंने इसके साथ आइसक्रीम्स बनाई हैं, मैंने इसके साथ पैनकेक्स बनाए हैं, मैं इसके साथ बहुत कुछ डेवलप करने वाली हूँ, और वॉफल्स भी मैं इसके साथ जल्दी एक बार आपके साथ शेयर करूँगी, मैं इसके साथ वॉफल्स कैसे बनाती हूँ, तो बहुत सारी रेसिपीज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। बेक, एन्जॉय, टेस्ट, eat and be healthy. Thank you.